आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बहुत ही चटपटा ये रेसिपी। अगर हरी सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी जरूर बनाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे चैनल में आप लोग का वेलकम है। तो चलिए आज का नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज का ये रेसिपी बनाने के लिए हम हरी वाली मूंग छिलके वाली को अच्छे से हम 3 से 4 घंटे भिगो कर रख दिए थे। ये अच्छे से फूल गए थे। इनको 3 से 4 पानी हम धो करके एक ग्रेटिंग जार में हम ले लिए हैं। साथ ही में हम ले लेंगे 2 हरी मिर्च, ले लेंगे 3 से 4, ले लेंगे लहसुन। यहाँ पर हम थोड़ी सी हम काट कर छोटा छोटा धनिया पत्ता ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनको पीस लेंगे। यहीं पर थोड़ा सा अदरक ले लिए हैं, 1-2 सी, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हरी वाली हमारी मूंग, ये छिलके वाली पीस करके एकदम पेस्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब दूसरे बर्तन में भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए हैं, इनको साइड में रखते हैं। तब तक से वही हम ले लिए हैं ग्रेटिंग जार। तो यहाँ हम 2 प्याज को छोटा छोटा काट लिए थे, प्याज हमारा 2 से 3 था। यहाँ पर 2 हरी मिर्च ले लिए हैं, अदरक लहसुन, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको पेस्ट कर पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। इनको दूसरे कटोरी में हम ट्रांसफ़र करके इनको हम साइड में रख देंगे। थोड़ा सा ग्रेटिंग जार धो करके पानी डाल देंगे। वही फिर ग्रेटिंग जार ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 2 टमाटर है, बड़ा साइज के था, इनको भी पीस करके प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर का भाई हमारा पीस करके प्यूरी बन के तैयार हो गया है। इनको भी अभी साइड में रखते हैं। अब यहाँ हम ले लिए हैं मूंग वाली जो हम पीस करके रखे हुए थे। साथ ही में इसमें हम 2 चम्मच, बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप अपने हिसाब से नमक देखकर डालिएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अच्छे से हमारे मिक्स वाले के बैटर को हमको इसी तरह से रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे कि एक हम दूध वाली थैली ले लिए हैं। आपके पास कोई पन्नी वनी हो तो आप ले सकते हैं। इनको अच्छे से हम धो करके साफ़ कर लिए हैं। इस तरीके से हम एक गिलास में रख देंगे। देखिए गिलास में रख दीजिएगा ना, तो आसानी से इस तरीके से हो जाएगा। इसमें सारे हम बैटर को डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारे हम इसी में डाल देंगे। देखिए सारे हम इसी में डाल देंगे, अच्छे से हम इसको शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इस मसाले में कुछ भी नहीं डाले हैं क्योंकि अवेलेबल फिर हम आगे मसाले डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ ये नोक है ना, इनको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि इसमें से हमारा ये जो बैटर है तो आसानी से गिर सके। अभी उनको हम साइड में रख दिए हैं। तब तक से यहाँ हम एक पैन बिठाए हैं, इसमें हम डाल देंगे सरसों तेल। यहीं पर हम थोड़ी सी डाल देंगे मेथी दाने, हल्का सा सौंफ डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, हल्का सा इनको चटकने देंगे। सारे हमारे चटक जाए तो इसमें हम थोड़ा सा हींग डाले हैं। सारे हम फ़ौरन को अच्छे से हम चटकने देंगे। फ़ौरन हमारे देखिए अच्छे से चटक गए हैं। तो हम यहाँ पिसा हुआ प्याज का पेस्ट डाल देंगे। जो प्याज का पेस्ट पीसे थे ना, तो वही प्याज का हम पेस्ट डाल करके अच्छे से इनको भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे प्याज वाले पेस्ट अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहीं पर हम कुछ मसाले को ऐड कर देंगे, जो हम सूखी मसाले होते हैं तो सूखी मसाले कुछ यहीं पर हम ऐड कर देंगे। तो हम 1 चम्मच डाल देंगे भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर जीरा मिर्च के पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर हम गरम मसाला, यहीं पर 1 चम्मच डाल देंगे हम चाट मसाला। आपके पास कुछ भी हो तो आप कुछ मसाला डाल सकते हैं, पनीर मसाले, छोले मसाले, कुछ भी डाल सकते हैं मसाले अपने पसंद से। यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से इनको मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ मसाले हमारे अच्छे से भून करके तैयार हो गए हैं। तब यहीं पर हम डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर वाला प्यूरी। टमाटर के प्यूरी को डाल करके इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। इनको भी अच्छे से भून लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए सारे हमारे मसाले भून के तैयार हो गए हैं। साथ ही में हम एक छोटा कटोरी से आधा कटोरी दही डाल दिए हैं। दही को भी डाल करके अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ सारे देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब यहीं पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं। अब यहाँ हम जो हम बैटर भर करके रखे हुए थे पन्नी में ना, तो इस तरीके से हम वहाँ देखिए नीचे कट लगा दिए थे, नहीं बताएंगे नीचे में कट लगा दीजिएगा। तो नीचे में हम कट लगा करके इस तरीके से हम बरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से बरी बनाइएगा। तो हम आप लोग से तो कहना ही भूल गए कि अगर आज का ये रेसिपी आप लोग की अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हम चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ रेसिपी आते हैं, नए नए रोज़ वीडियो आते हैं। देखिए इस तरीके से हम सारे बरी बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप सटा सटा करके नहीं बनाइएगा, थोड़ा आपको गैप दे कर आपको ये इस तरीके से बरी को बनाना है। देखिए हम थोड़ा थोड़ा गैप दे करके बनाए हैं। ये हम बैटर में मसाले ज़्यादा नहीं डाले थे, इसीलिए कि अवेलेबल ये मसाले में बनेगा तो उसमें मसाले सारे पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम बड़ी में ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं।
तो इस तरीके से हम बारीक खोट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप गैस को मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम देना है और हमारा थोड़ा सा बच गया है पन्नी में। तो उनको बनाने के लिए एक हम प्लेट ले लिए हैं। प्लेट को हम तेल डाल के यहाँ पर गार्निश कर देंगे और इस पर हम रख देंगे, इस पैन पर रख देंगे। प्लेट पर हम छोटा छोटा गैप दे करके बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सटा सटा कर नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा गैप दे देकर बनाएंगे। इस तरीके से सारे हम प्लेट पर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हाथ से भी आप चाहेंगे ना तो छोटा छोटा बना सकते हैं। गैस को यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, हाथ से छोटा छोटा आसानी से बना दीजिएगा। तो यहाँ पर हम ढक करके इनको हम 10 मिनट टाइम देंगे। यहाँ देखिए हमारे 10 मिनट के बाद, 10-12 मिनट हो ही गए थे, 10-12 मिनट के बाद हम देख रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा एकदम बरी बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिए मसाले को भी भुनाई हो गया है, यहाँ मसाले के साथ साथ हमारे उसमें बरी भी बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गैस को लो कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम प्लेट में बनाए हैं ना वो अभी गर्म होगा तो उनको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गैस को हम लो कर दिए थे, यहाँ देखिए प्लेट वाले भी बरी ठंडे हो गए हैं। इनको इस तरीके से हम चक्कू से छुड़ा लेंगे, बहुत ही एकदम सॉफ्ट एकदम पक करके तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से हम चक्कू से छुड़ा करके सारे इसमें हम मसाले वाले में डाल देंगे पैन में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सब्जी बना करके एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर रोज़ रोज़ के सब्जी खाकर लोग बोर हो जाते हैं तो कुछ नया खाने का मन करता है, कुछ अलग तरीके का खाने का मन करता है। तो इस तरीके से बना करके आप लोग भी खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अच्छे से जब भुनाई हो जाए तो यहाँ पर आप अपने जितना पानी डालना हो, आप जितना ग्रेवी चाहते हैं तो आप उतना हिसाब से पानी डाल सकते हैं। आप जितना पतला ग्रेवी चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ हम पानी डाल देंगे। अब हम ढक करके इनको हम 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे मीडियम आँच पर। तो यहाँ देखिए हमारे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। यहाँ हमारे ये देखिए ये रेसिपी मूँग, हरी वाली मूँग, छिलके वाली मूँग का ये रेसिपी बन करके कितना स्वादिष्ट, कितना परफेक्ट बन कर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही चटपटा लगता है। अगर एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो बार बार इस तरीके से बनाने को मन करेगा। यहाँ पर हरी धनिया पत्ता डाल दिए हैं काट करके एक मुट्ठी। हमारे सब्जी बन गए हैं, गैस को बंद कर दिए। यहाँ पर देखिए हमारा सब्जी खाने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से बनाइएगा तो आपको दाल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ना इनको हम घामा में सुखाएं, ना धूप में सुखाएं, ना इनको हम स्टीम किए, ना कुछ भी किए, बड़ी वाले सब्जी हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आप लोग आज की रेसिपी देख रहे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक से बाय बाय।